Good morning, students. Today we will understand Lab 10 regarding the programming skill in C language. इस लैब में वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन. मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन आर वेरी मच यूजफुल वेन एवर वी आर थिंकिंग फॉर मल्टी ऑपरेशंस. लेट द फर्स्ट प्रॉब्लम. राइट ए प्रोग्राम टू सॉल्व अर्थमेटिक ऑपरेशंस like addition, subtraction, multiplication, division using मेनू ड्रिवन. तो सबसे पहला प्रोग्राम जिसमें हम देखेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है, डिविजन है, मेनू ड्रिवन सिस्टम से कैसे बनाए जाते हैं. बेसिकली in the menu driven system, very first your application will display a menu. In that menu you will also get some fruitful options. जैसे इस प्रोग्राम को जब भी हम रन करेंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलेगा कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं. तो लेट वेरी फर्स्ट यू विल गेट ए मेनू ऑन ए स्क्रीन. सबसे पहले हमें स्क्रीन में क्या मिलना चाहिए, एक मेनू मिलेगा एंड दैट मेनू एक्चुअली यहां पे क्या मिल रहा है, यू विल गेट व्हाट योर मेनू. तो यहां पे आपको मेनू मिलेगा, आपको मेनू मिलेगा. इन दैट मेनू यू हैव ए ऑप्शंस लाइक ए एडिशन. यहां पर एडिशंस मिलेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन इज द एडिशन. नाउ सेकंड ऑप्शन इज द सब्ट्रैक्शन एंड द थर्ड ऑप्शन इज द मल्टीप्लीकेशन एंड द फोर्थ ऑप्शन is the division and fifth and the last option is the quit. ठीक है, तो इस तरीके से हमको अपने स्क्रीन पे ऑप्शंस मिलेंगे. आपको जो ऑपरेशन करना है उसे यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं. तो दिस ऑप्शंस बेसिकली गिविंग द योर अप्रोप्रिएट केसेस. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें इस मेनू में कितने मिल रहे हैं ऑप्शंस, चार मिल रहे हैं. पांचवा ऑप्शन हम इस एप्लीकेशन से क्विट हो सकते हैं. तो वेन एवर यू वॉन्ट टू क्विट यू कैन गो फॉर द योर फिफ्थ ऑप्शन. नाउ विद दिस मेनू हमें एक चीज मैसेज भी मिलेगा कि लेट यू हैव टू इनपुट दिस टाइप ऑफ द योर कोड. तो यहां पर एक मेनू में हमको ऑप्शन मिलेगा कि इंटर कोड. तो इंटर कोड यानी 1 to 4, 1 से 4 कोई भी ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है. अगर हमने प्रॉपरली सेलेक्ट किया है तो वी विल मूव टू योर प्रॉपर प्रोग्राम. जैसे मैंने 1 प्रेस किया तो एडिशन प्रोग्राम में चले जाएंगे, 2 प्रेस किया तो सब्ट्रैक्शन प्रोग्राम में जाएंगे, 3rd किया तो मल्टीप्लीकेशन में, 4th करेंगे तो डिवीजन एंड 5th करेंगे तो वी विल स्टॉप दिस एप्लीकेशन. तो दिस इज द बेसिकली योर रिक्वायरमेंट इन दिस प्रोग्राम. सपोज मैंने यहां पर फर्स्ट प्रोग्राम इनपुट किया तो मैंने एडिशन प्रोग्राम मुझे परफॉर्म करना है. तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन में मुझे आफ्टर प्रेसिंग 1, अब मुझे यहाँ पर 1 प्रेस करना है तो मैंने 1 प्रेस किया और इंटर प्रेस किया तो आई शुड गेट 1 मैसेज. व्हाट मैसेज, कि इट इज ए योर एडिशन प्रोग्राम. तो एडिशन प्रोग्राम में सबसे पहले मुझे क्या मिलना चाहिए, यू इंटर द 2 नंबर. तो मुझे 2 नंबर इनपुट करने हैं तो ये मुझे ऑप्शन मिलेगा इस प्रोग्राम के अंदर. तो लेट आई विल इनपुट इंटर ए एंड
बी। तो मैंने दो नंबर इनपुट करने हैं, तो पहला नंबर सपोज करिए 10 है और दूसरा नंबर सपोज 20 है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर दो नंबर इनपुट किए, आई शुड गेट द माई रिजल्ट इन दिस फॉर्मेट। तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे यहाँ पर उनका सम मिलेगा। तो देखिए सम कैसे मिलेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू वॉट 30। तो दिस इज द बेसिकली यूअर रिक्वायरमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम में मैं 2 डालूंगा तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, 3 डालूंगा तो मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, 4 डालूंगा तो डिविजन आ जाएगा। नाउ वॉट अबाउट यूअर सपोज यू आर इनपुटिंग द 6। अब 6 तो इसमें नहीं है, तो लेट आई एम प्रेसिंग द 6, वॉट विल हैपन, वी शुड गेट ए 1 प्रॉपर मैसेज कि ये कोड एरर है, मतलब ये कोड प्रॉपर नहीं है। तो आई शुड गेट दिस मैसेज कि यू आर नॉट एरर, नॉट ए प्रॉपर कोड, इट इज ए एरर इन कोड, इस तरीके से मिलेगा। तो लेट दिस शुड बी वेन एवर यू विल प्रेस 7, वेन 8, वेन 9, मे बी पॉसिबल -5, है ना, मे बी पॉसिबल -5। तो -5 इज ऑल्सो ए नॉट ए प्रॉपर कोड, तो ये कोड नहीं है, इसलिए यहां पर आपको एरर मिलेगा। ठीक है, लेट यू आर प्रेसिंग द 5, तो जब आप 5 प्रेस करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, तो 5 जब प्रेस करेंगे तो वी शुड गेट वॉट द क्विट। सबसे पहले हमें मैसेज क्या मिलना चाहिए कि नाउ यू आर गोइंग फॉर द क्विट दिस ऑप्शन, तो ये मिलेगा। इसके बाद में यू ऑल्सो गेट 1 मैसेज कि यू आर एंडिंग द प्रोग्राम, तो यू विल गेट वॉट कि यू हैव टू एंड ऑफ प्रोग्राम। तो दिस इज अबाउट द यूअर आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो ये हमें मिलना चाहिए, इस प्रकार से हम इस चीज को मतलब एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो वी रिक्वायर्ड द सम इंस्ट्रक्शन, हमें सी के इंस्ट्रक्शंस लिखने हैं। तो किस तरीके से इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, तो वो मैं आपको एक एक करके यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, तो लेट वी हैव, यहाँ पर तो बस केवल ये मैंने आपको सिमुलेट करके बताया है कि वेन एवर यू विल रन दिस प्रोग्राम तो वॉट शुड यू विल गेट। तो ये मुझे एक ऑप्शन मिल गया समझने के लिए, तो मैं इस तरीके से आपको सब समझाऊंगा। ओके, नाउ वेरी फर्स्ट यू हैव टू डिक्लेयर यूअर वेरिएबल्स, हम यहां पर डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स को। नाउ आफ्टर दैट, इस प्रोग्राम में हमने क्या यूज किया, देखिए ध्यान से, हमने यहां पर यूज किया है दैट इज द यूअर, हमने क्या यूज किया है, हमने यहां पर यूज किया है एक्चुअली 1 लूप जिसका नाम है डू वाइल। तो ये डू वाइल हमने यहाँ पर यूज किया, देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पर हमें डू वाइल दिख रहा है। अब इस डू वाइल में, है ना, इस डू वाइल में हमने अपना एक स्विच केस स्ट्रक्चर रखा है। नाउ दिस स्विच केस बेसिकली इज डूइंग व्हाट, इज शिफ्टिंग द प्रॉपर केसेस। तो प्रॉपर केसेस के तरफ ये शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, यहाँ पर देखिए स्विच केस दिख रहा है, इट इज ए स्विच ऑन द कोड। जब प्रॉपर कोड होगा तो यू विल बी स्विच टू द केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 एंड केस 5। ठीक है, तो दिस इज द 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट वी आर यूजिंग इन दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट इंक्लूड यूअर stdio.h बिकॉज वी आर यूजिंग 2 इनबिल्ट फंक्शन, 1 इज द printf, सेकेंड इज द scanf। इस पूरे प्रोग्राम में आप ध्यान से देखिए, केवल हम लोग 2 स्टैंडर्ड फंक्शन यूज कर रहे हैं। ओके, तो 1 इज द printf फॉर द डिस्प्लेइंग द मैसेज एंड द सेकेंड इज द scanf टू गेट ए यूअर इनपुट। ओके, तो लेट आफ्टर इंक्लूडिंग दिस header files, हमने मेन फंक्शन हमारा बनाया, एक ही फंक्शन का प्रोग्राम है तो यहाँ पर हमने मेन फंक्शन बनाया। तो मेन फंक्शन हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाता है। इन दिस यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने इसको ब्लॉक बना लिया करली ब्रैकेट से, ये करली ब्रैकेट लगा है और लास्ट में एक देखिए यहाँ पर ये करली ब्रैकेट लगा है। तो दिस एक्चुअली टेलिंग द एंड ऑफ द प्रोग्राम, ये यहाँ पर लगा हुआ है।
ठीक है, तो दिस टू आर देयर. नाउ इन दिस ब्लॉक वेरी फर्स्ट यू हैव टू डिक्लेयर. हमने यहां पर अपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है प्रॉपरली थ्रू द इंट डेटा टाइप से. तो कितने वेरिएबल हैं, वन इज द ए, सेकेंड इज द बी एंड थर्ड इज द कोड. तो ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस आर रिप्रेजेंटिंग टू इनपुट टू वैल्यूज. इसी टू वैल्यूज पे यू हैव टू डू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड वॉट डिविजन. कोड क्या कर रहा है, कोड केवल आपका ऑप्शन को स्विच कर रहा है. अगर मैंने कोड वन डाला तो एडिशन प्रोग्राम की तरफ चले जाएंगे, दो डाला तो सब्ट्रैक्शन में चले जाएंगे, तीन डाल दिया तो मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे, फोर्थ डाला तो डिविजन में जाएंगे, फिफ्थ डाला तो क्विट कर देंगे और यहाँ पर डिफॉल्ट करेंगे तो एरर आ जाएगा. तो दिस इज द यूअर वे. तो अच्छा, ये डू वाइल लूप का मतलब ये है कि ये आपको रिपीटिशन करेगा, इस पूरे प्रोग्राम को रिपीट करेगा. जैसे ही आपने पहला प्रोग्राम कंप्लीट किया, यू विल गेट ए अनदर ऑप्शन कि भाई अब क्या करना है. फिर मैंने सेकंड ऑप्शन किया या फिर अगेन फर्स्ट प्रोग्राम बनाए, तो इट इज डिपेंड्स कि आपको किस तरीके से ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं. तो अंडर द डू वाइल वेरी फर्स्ट वी आर डिस्प्लेइंग द आवर मेनू. तो यहां से मेनू हमारा डिस्प्ले हो जाएगा. आफ्टर गेटिंग ए दिस मेनू वी विल गो फॉर द आवर स्विच केस स्टेटमेंट. तो ये पूरा जो आपको दिख रहा है, इट इज ए स्विच स्टेटमेंट एंड इट इज आल्सो ए स्विच स्टेटमेंट. ये पूरा का पूरा आपका स्विच है. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हमने स्विच के ऊपर कोड को रखा है. तो कोड इज द यूअर एक्सप्रेशन. तो स्विच ऑन दिस कोड, तो जब भी कोड इज इक्वल टू वन होगा तो अवर कंट्रोल इज शिफ्ट टू द यूअर केस वन. तो केस वन में जाएंगे. इन द केस वन देर इज ए स्टेटमेंट फॉर द एडिशन प्रोग्राम. फिर इसके बाद यू विल गेट ए इंटर ए प्लस बी. तो हम ए प्लस बी का एक मैसेज लेंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट ए और बी को रीड कर लेंगे कीबोर्ड से. आफ्टर रीडिंग दिस टू वैल्यूज ए एंड बी फ्रॉम द कीबोर्ड, तो ये इंटीजर ही होना चाहिए. यहाँ पर परसेंट डी लगा है, तो यहाँ पर फ्लोट नहीं हो सकता है ना सिंबल हो सकते हैं. यू शुड बी इनपुट इंटीजर नंबर, दैट इज द होल नंबर, आइदर 10 आइदर 20 लाइक दैट. ओके, तो जैसे ये रीड हो जाएगा वी विल गेट ए ऑपरेशन ए प्लस बी. तो वी विल गेट ए आउटपुट ए प्लस बी एंड परसेंट डी के द्वारा क्या मिलेगा, रिजल्ट. Let A is 10, B is 20, तो you should get 30. तो यहाँ 30. And after that there is a break. अब इस break के कारण क्या होगा? We will directly shift to where in the while. अब मैं while के पास पहुंच जाऊंगा और while मुझे कहाँ भेज देगा? Again the first do पर भेज देगा. तो after that we will go for the again displaying this menu. तो ये फिर से menu display हो जाएगा और फिर से हमारा वही प्रोसेस स्टार्ट होगा. तो नेक्स्ट टाइम लेट यू आर इनपुटिंग द टू, तो दैट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ प्रोग्राम. तो प्रोग्राम सब्ट्रैक्शन का चलेगा, सेम मैसेज इनपुट आउटपुट होगा, फिर दो नंबर वैल्यू इनपुट करेंगे और दोनों का सब्ट्रैक्ट होगा. तो सिमिलरली वी विल गो फॉर द मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑल्सो. तो दिस इज अबाउट हाउ टू मेक ए योर मेनू ड्रिवन प्रोग्राम. अब मैं आपको कुछ लैब के लिए वर्क दे रहा हूं. लेट द फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज द लैब असाइनमेंट वन. तो आपको क्या करना है, राइट ए मेनू ड्रिवन प्रोग्राम. आपको एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाना है. तो ये एरिया ऑफ शेप्स के लिए बनाना है ना. यू हैव टू मेक ए दिस प्रोग्राम फॉर द एरिया ऑफ शेप्स. तो यहां पे यू हैव टू मेक ए केस वन फॉर द सर्कल, केस टू फॉर द रेक्टेंगल, केस थ्री फॉर द स्क्वायर. तो इस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन में इन तीनों को इन्वॉल्व करोगे. तो जैसे ही केस वन होगा तो प्रोग्राम फॉर सर्कल लिखोगे, केस टू के लिए प्रोग्राम फॉर रेक्टेंगल लिखेंगे और स्क्वायर यानी कि प्रोग्राम फॉर स्क्वायर लिखेंगे. तो वी नो वेरी वेल कि हाउ टू मेक ए प्रोग्राम फॉर द सर्कल. तो सर्कल के लिए प्रोग्राम आपको क्या बनाना है, दैट यू विल मेक लाइक दैट यूअर एरिया ऑफ सर्कल है ना. दिस इज वॉट एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू वॉट पाई. तो 3.14 इंटू, यहां पर इंटू लगा देंगे, देन यूअर रेडियस आर इंटू आर. तो ये आपका फॉर्मूला बन गया. तो लाइक दैट यू हैव टू
थिंग फॉर द योर एरिया ऑफ सर्कल, इसके लिए प्रोग्राम बना लीजिए। नाउ यहां पर क्या बनाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज यूर मल्टीप्लाई विद द बोथ साइड। तो लेट यूर वन साइड ए एंड द अदर साइड इज बी, तो दिस इज यूर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नाउ स्क्वायर में क्या होगा, ओनली वन साइड आपको लेना है और उसका स्क्वायर कर देना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बन जाएगा, दैट विल बी यूर एनी साइड को आप ले लीजिए एंड मल्टीप्लाई बाय दैट। तो दिस इज विल बी द यूर एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द यूर एरिया ऑफ शेप। नाउ वी विल गो फॉर द अनदर सिमिलर प्रोग्राम। द फर्स्ट इज द मेनू ड्रिवन प्रोग्राम फॉर द करेक्टर कन्वर्शन ऑपरेशन। तो देखिए करेक्टर कन्वर्शन ऑपरेशन का हमें क्या बनाना है, एप्लीकेशन बनाना है। इन दिस करेक्टर कन्वर्शन एप्लीकेशन में हमें क्या करना है, तो दिस इज अबाउट द योर लोअर केस अपर केस एंड द ASCII वैल्यू। ये जब भी एप्लीकेशन प्रोग्राम चलेगा तो दिस विल बी आस्क फॉर द इनपुट ए करेक्टर, मैं करेक्टर डालूंगा तो लेट कैपिटल ए, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, स्मॉल ए, ठीक है। मैंने यहां पर अगर कैपिटल आर डाला तो इसका इनपुट क्या आएगा, स्मॉल आर, ठीक है। नाउ अगर मैंने स्मॉल बी डाला तो आउटपुट क्या आना चाहिए, स्मॉल बी, नो चेंज। मैंने यहां पर अगर एट डाला तो आउटपुट कितना आएगा, एट, नो चेंज। मैंने यहां पर एट द रेट डाला तो आउटपुट कितना आएगा, एट द रेट, मीन्स नो चेंज। तो दिस इज अबाउट योर लोअर केस। अपर केस के लिए क्या करेंगे, अगर मुझे स्मॉल ए डालना है तो यू शुड गेट आउटपुट एज ए कैपिटल ए। नाउ स्मॉल आर डाला तो आउटपुट क्या मिलेगा आपका, अपर केस में कैपिटल आर, ठीक है। नाउ मैंने इसमें कैपिटल बी डाला तो आउटपुट कितना मिलेगा, यू विल गेट ए सेम, नो चेंज, बी का बी मिलना चाहिए। नाउ एट का एटी मिलना चाहिए, है ना, और स्पेशल करेक्टर का स्पेशल करेक्टर ही मिलना चाहिए। तो दिस इज अबाउट द यूर इनपुट आउटपुट ऑफ द अपर केस। नाउ ASCII वैल्यू, ASCII वैल्यू का मतलब ये है कि कैपिटल ए यू शुड गेट ए 65, देन बी लेट द स्मॉल ए, स्मॉल ए डालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 90, एंड लेट यू आर इनपुटिंग द जीरो एज ए न्यूमरिक तो यू शुड गेट ए 48। तो इस तरीके से आपको इनपुट आउटपुट मिलना चाहिए। नाउ हाउ वी विल यूज दिस लोअर केस अपर केस ASCII वैल्यू, तो देखिए इसके लिए आपको क्या यूज करना है, यू शुड यूज द थ्री इंपॉर्टेंट व्हाट योर इनबिल्ट फंक्शन। हमें तीन इनबिल्ट फंक्शन को यूज करना आना चाहिए। तो क्या क्या हो सकते हैं तीन इनबिल्ट फंक्शन, द फर्स्ट इज द योर, तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है सी टाइप डॉट एच, है ना, ये हेडर फाइल आपको यूज करनी आनी चाहिए। तो बाय दिस हेडर फाइल यू कैन गेट ए ऑल स्टैंडर्ड फॉर फंक्शंस फॉर मैनिपुलेटिंग दिस ऑल करेक्टर ऑपरेशंस। तो फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट है आपका लोअर केस, तो लोअर केस के लिए क्या बनाएंगे, टू लोअर, तो दिस इज द योर इनबिल्ट फंक्शन, टू लोअर बना दीजिए। नाउ सेकंड इज, तो सेकंड क्या है आपका, टू अपर, तो ये अपर बन जाएगा, तो रेडीमेड फंक्शंस आर देयर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड इज व्हाट, थर्ड इज द योर ASCII, तो आपको क्या यूज करना है, ASCII यूज करना है। तो ASCII के लिए क्या है, द टू ASCII, टू ASCII, तो दिस इज ए रेडीमेड फंक्शन, ये रेडीमेड फंक्शन है। देखिए मैं आपको दो चीज बता दूं, कभी भी कभी प्रोग्राम बनाने हैं तो हमें स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स को ध्यान में रख के बनाना है और स्टैंडर्ड फंक्शंस को रख के ध्यान में बनाना है। अगर ये नहीं है तो क्या करना है, अगर ये नहीं है तो भी आपको बनाना तो चाहिए, तो उसके लिए यू हैव टू थिंक कि हाउ वी कैन मेक प्रोग्राम विदाउट विदाउट इनबिल्ट फंक्शन। जब इनबिल्ट फंक्शन नहीं है तो हम क्या कैसे करेंगे, ओके तो मैं आपको एक थोड़ा सा टिप देता हूं कि कैसे बनाना है प्रोग्राम। देखिए तो दिस इज द सिमिलर टू द यूर फर्स्ट प्रोग्राम, यहां पर भी हमें मेनू ड्रिवन मिलेगा, तो दिस इज द यूर मेनू ड्रिवन, ये आपका मेनू ड्रिवन है, इन विच द फर्स्ट इज द वर्ड मेनू, सेकेंड इज द लोअर केस, सेकेंड इज द अपर केस, देन ASCII वैल्यू एंड क्विट। उसके बाद यू आर डिस्प्लेइंग ए वन मैसेज कि इंटर द कोड,
फ्रॉम 1 to 2, 1 to 4, इनके बीच में आपको अपना ऑपरेशंस के लिए कोड डालना है. नाउ देन यू हैव टू इनपुट द कोड, तो ये स्कैन करा लेंगे. नाउ आफ्टर रीडिंग दिस कोड वैल्यू वी विल यूज द स्विच, तो हमें स्विच केस को यूज करना है. तो बाय दिस स्विच केस वी विल डायरेक्टली शिफ्ट टू द केस 1, केस 2, केस 3, केस 4. यहाँ पर 4 केस हैं, तो 4 केस के ऊपर आप बना सकते हैं. ओके, देन इन एवरी केसेस देर आर द वन प्रोग्राम, एक एक प्रोग्राम बने हुए हैं. जैसे पहला केस में क्या है, इट इज अ लोअर केस प्रोग्राम. सेकेंड में क्या है, अपर केस प्रोग्राम. थर्ड में क्या है, लोअर केस. थर्ड इज द फर्स्ट इज द लोअर केस प्रोग्राम, देन अपर केस, एंड थर्ड इज द ASCII वैल्यू. ओके, बाय मिस्टेक वो यहाँ पर सेम हो गया. दिस इज वॉट यूअर ASCII, है ना. ASCII मतलब ASCII, ASCII प्रोग्राम. तो ये ASCII प्रोग्राम आपको बनाना है. दिस इज द टू ASCII कंसेप्ट हो जाएगा. एंड लास्टली इज द क्विट, एंड दिस इज द एरर इन द कोड अगर है तो. उसके बाद अब स्ट्रक्चर में ध्यान से देखिए. वेरी फर्स्ट टू इंक्लूड द टू हेडर फाइल्स, आपने इनपुट कर लिया. देन मेक ए फंक्शन, मेन फंक्शन, एक ही प्रोग्राम है इसमें मेन फंक्शन है. देन वी हैव ए ब्लॉक, ओपन करली ब्रैकेट, क्लोज करली ब्रैकेट. तो ये ब्लॉक हो गया. इसके बाद में हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, तो इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं. तो पहला आपका CH है, ठीक है ना. यहाँ पर मैं करेक्टर भी ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये मुझे सिंबल को यूज करना है, ठीक है. तो दिस इज द करेक्टर. इंट कोड है, यहाँ पे कोड लेना है हमको, जिससे कि हम केसेस में प्रॉपरली पहुंच सके, ठीक है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डू वाइल बनाना है. इस डू वाइल के अंदर ये पूरा प्रोग्राम रहेगा जो बार बार रिपीट होगा और प्रॉपरली लेबल वैल्यू के द्वारा वो केसेस पर शिफ्ट होगा. और उसके बाद अगर कोई गलत है तो यू शुड गेट ए वन एरर, दैट इज द एरर इन कोड. ये एरर इन कोड जो आपको मिल रहा है वो इसी कारण मिलेगा. एंड इफ यू आर स्टॉपिंग दिस एप्लीकेशन, तो आपको 4 प्रेस करना है, तो यू विल गेट ए वन मैसेज, क्विट ऑफ दिस एंड देन एंड ऑफ द प्रोग्राम. तो ये इस तरीके से आपको मिलना है, ठीक है. तो लेट वी विल स्टार्ट टू सी द कंप्लीट प्रोग्राम. तो यहाँ पर देखिए, डू हमने बनाया है. डू के बाद हमारा करली ब्रैकेट ओपन होगा और करली ब्रैकेट वाइल में क्लोज होगा. डू वाइल का क्या नेचर है कि ये ट्रू स्टेटमेंट को बाय डिफॉल्ट एक बार रन करना है, फिर उसके बाद कंडीशन चेक करना. अगर कंडीशन राइट है तो फिर पूरे प्रोग्राम को रिपीट करना है, अदरवाइज वो एंड ऑफ द लूप हो जाता है. तो सबसे पहले इसने पूरा प्रोग्राम मीनू डिस्प्ले करेगा. उसके बाद में यू कैन इजिली इनपुट द एनी कोड, एक कोड को इनपुट करेंगे, ठीक है. तो इसी तरीके से हर स्टूडेंट को समझना है प्रोग्राम बनाते समय कि वेन एवर यू आर मेकिंग ए प्रोग्राम, यू शुड गिव द प्रॉपर मल्टी ऑपरेशंस. हर एक ऑपरेशन का एक प्रॉपर वे होना चाहिए. देखिए, यूजर को कम्युनिकेशन सही होना चाहिए, उसका कन्वर्सेशन अच्छा होना चाहिए. उसमें ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि जहां पर वो पजल हो, जब वो कंफ्यूज हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. ट्राई टू मेक ए यूअर प्रॉपर मैसेज, जिसको अपन कंटेंट राइटिंग की बात कहते हैं ना, दिस इज द एक्चुअली द रिक्वायरमेंट इन द प्रोग्रामिंग. तो अब देखिए, जैसे ही मैंने इसमें कोई वैल्यू इनपुट की तो मेरा स्विच केस ओपन हो जाएगा और ये प्रॉपरली कोड पर स्विच कर देगा. तो स्विच होने के बाद यू विल गेट ए यूअर केसेस. तो पहला होगा तो पहला केस जाएगा, दूसरा है तो दूसरा केस जाएगा, तीसरा है तो तीसरा केस जाएगा, अदरवाइज यू विल बी क्विट ऑन दैट. एंड देन अगर रॉन्ग है तो एरर इन कोड, अगर ये हो जाएगा तो एरर इन कोड, फिर से हम प्रोग्राम में जाएंगे और फिर हम रन करेंगे. तो लेट यू आर टेकिंग कोड एज ए वन, तो कोड एज ए वन में हम केस वन में आएंगे. यहां पर हमें एक मैसेज मिलेगा कि दिस इज द नेम ऑफ प्रोग्राम, एंड देन वी विल गेट ए मैसेज, इंटर ए करेक्टर. तो प्रॉपर करेक्टर इनपुट करेंगे तो यू विल गेट ए वन करेक्टर, और उस करेक्टर को हम टू लोअर फंक्शन के द्वारा उसे लोअर कर देंगे, बिकॉज दिस इज द लोअर केस प्रोग्राम. इसी तरह अपर केस के लिए टू अपर का यूज करेंगे. एंड ASCII वैल्यू के लिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर ASCII वैल्यू को हम यूज कर रहे हैं. तो दिस इज अबाउट द स्विच केस. एंड आफ्टर दैट देर इज एंड ऑफ द व्हाइल, जो कि कंडीशन पर बना है कि कोड नॉट इक्वल टू 4,
ठीक है। तो दिस इज अबाउट द योर सेकेंड क्वेश्चन। अब यहां पर मैं आपको और दो प्रोग्राम दे रहा हूं, तो लेट द थर्ड प्रोग्राम इज राइट ए मेनू ड्रिवन प्रोग्राम फॉर करेक्टर चेकिंग ऑपरेशन। तो देखिए करेक्टर चेकिंग ऑपरेशन मेरा मतलब इससे क्या इंटरप्रिटेशन है, आपको एक प्रोग्राम ऐसा बनाना है जो आपके कीबोर्ड को कीज चेक करें कि आपका ए की चल रहा है कि नहीं, बी की चल रहा है कि नहीं, इस तरीके से टोटल कीज हमारे चल रहे हैं कि नहीं। यूअर कीबोर्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू द सम कैटेगरी। द फर्स्ट इज द लोअर केस कैरेक्टर जो कि आपके रहेंगे स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक, ठीक है। इसके बाद में आपके पास रहेगा कैपिटल ए टू कैपिटल जेड रहेगा, एंड देन यू हैव ए स्पेस। तो स्पेस के लिए देखिए आपके पास एक सबसे बड़ा की होता है, दैट इज नोन एज ए स्पेस बार, तो इसको स्पेस बार बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद टैब की होता है, टैब की इज ऑल्सो ए वन स्पेस बार, ठीक है। तो देन डिजिट, डिजिट का मतलब हो गया 0 to 9। स्पेशल करेक्टर का मतलब क्या हो गया, जैसे एट द रेट, देन हैश, देन ए डॉलर साइन, देन परसेंटेज एंड योर कैरेट, है ना। इस तरीके से हम अपने सिंबल्स को ले सकते हैं। तो दिस इज योर कैरेट, ठीक है। तो देन कैरेट के बाद में यू हैव ए डॉलर साइन एट द ये सॉरी एंड साइन, है ना, इस तरीके से एस्ट्रिक साइन, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं। तो अभी सबसे पहले तो आप इस कैटेगरी को डिस्प्ले करने की कोशिश करिए कि अगर इसमें से कोई भी आप प्रेस करते हैं तो यू शुड डिस्प्ले ये स्पेशल करेक्टर, इसमें से कोई भी डिस्प्ले करते हैं तो यू शुड बी गिव ए मैसेज कि डिजिट करेक्टर। अगर इसमें से कुछ आप दे रहे हैं ए टू जेड में से तो यू हैव गिव टू अपर केस करेक्टर, अगर स्मॉल दे रहे हैं तो ए टू जेड करेक्टर। इसके बाद जो इसका एक्सटेंशन बनेगा जिसमें लोअर केस में भी आपको ये बताना है कि दिस इज स्मॉल ए, आपको ऐसा प्रिंट करना चाहिए कि जैसे ही मैंने यहां पर ए प्रेस किया तो यू शुड बी गिव ए मैसेज कि इट इज स्मॉल ए, है ना, इस तरीके से आपको कोई प्रिंट्स करना चाहिए। तो ये आपका मतलब एक्सटेंशन है, अगर आप करें तो अच्छा है, नहीं करें तो कोई बात नहीं है, बट दिस इज ए एक्सटेंशन ऑफ द योर स्टैंडर्ड प्रोग्राम। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, स्विच विद इन स्विच का यूज करना पड़ेगा, ऐसे करके आप पूरा अपना एप्लीकेशन ये बना सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द योर लैब असाइनमेंट 3। अब आपको ये 3 हो गया, एक और मैं आपको दे रहा हूं, दिस इज द राइट ए मेनू ड्रिवन प्रोग्राम फॉर एप्रोप्रिएट मैथ ऑपरेशंस। तो मैथ ऑपरेशंस के ऊपर में बहुत सारे पॉपुलर होते हैं फंक्शन, मैं आपको पॉपुलर फंक्शंस की बात कर रहा हूं। इसमें पावर फंक्शन, देन राउंड अप, आपको राउंड अप बनाना है, देन राउंड डाउन, देन स्क्वायर रूट बनाना है, एब्सोल्यूट वैल्यू बनाना है। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है जो हमने पहले अभी देखे सब प्रोग्राम, यहाँ पे आपको बस क्या करना है, एक्स टू द पावर वाई करना है, ठीक है ना। तो लेट वी हैव ए पावर से x to the power y, है ना, तो ये आपका कंसेप्ट आएगा। x to the power y क्या है, इसको ध्यान से देखिए, ये इस तरीके से होता है, ठीक है, मैं आपको प्रॉपरली बताता हूँ ये होता कैसे है पावर फंक्शन। इसको फॉन्ट में जाके मैं अगर इसको सब्सक्रिप्ट कर देता हूँ तो देखिए x to the power y बन जाएगा, ठीक है ना। x to the power y का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास, है ना, मेरे पास अगर सपोज करिए कि x के जगह 2 है और y के जगह 3 है, तो what you will get, आपको क्या मिलना चाहिए, देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर 2, इसको मैं 2 लिख देता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ 3 properly, तो 2 to the power 3 is how much, तो you should get what, your 8, हमको क्या मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए 8, ठीक है, हमें कितना मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। तो दिस इज द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द पावर फंक्शन, तो आपको यहाँ पर 8 मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो दिस इज द वे कि हमें किस तरीके से ये प्रोग्राम बनाना है, तो मैं आपको इसमें बता ही रहा हूँ आपको इस तरीके से बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो दिस इज द वे यहाँ पे आपको ये प्रोग्राम में 8 आएगा, ठीक है ना। तो दिस इज द योर रिक्वायरमेंट। नाउ द राउंड अप, राउंड अप का मतलब ये होगा कि जैसे आपने 3.6 लिया तो यू शुड बी डिस्प्ले व्हाट योर 4,
फोर डिस्प्ले करेंगे। अगर यहाँ पे आपको मतलब राउंड डाउन करना है तो राउंड डाउन का मतलब क्या रहेगा, इट विल बी यूअर से 4.3। तो आपको कितना मिलना चाहिए, दैट इज द 4। ठीक है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का तो सिंपल काम है कि यूअर इनपुट इज 16, तो यू शुड गेट द आउटपुट इज द 4। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब इस तरीके से होता है, जैसे -5 है ना, मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू बनाई तो इसका कितना मिलेगा, यू शुड गेट इट 5। ठीक है, 5 भी डालेंगे तो 5 मिलेगा, -5 डालेंगे तो 5 मिलेगा। तो दिस आर द वे हाउ टू मेक ए प्रोग्राम। तो मैं एक आपको एक स्ट्रक्चर और बता रहा हूँ कि प्रोग्राम बनाते कैसे हैं। देखिए, इसको एक टिप्स के रूप में आप ध्यान से रखिए, हमें आउटलाइंस बनाने की आदत होनी चाहिए, है ना। प्रोग्राम को सबसे पहले आउटलाइंस में डिवाइड कर दीजिए तो आपका बहुत जल्दी प्रोग्राम बन सकता है। जैसे ये वाला ही प्रोग्राम था आपका मैथ का, तो देखिए सबसे पहले क्या करा अपन ने, यहाँ पर एक आउटलाइन बना दिया कि दिस आर द माई मीनूज एंड दिस आर द माई स्विच, है ना। तो इस स्विच के अंदर में सारी चीजें प्रोग्राम नहीं है, इट इज ए ओनली स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, प्रिंट पावर फंक्शन, यानी जब मैं 1 प्रेस करूंगा तो मुझे पावर फंक्शन मिलना चाहिए, जब 2 प्रेस करेंगे तो यू शुड गेट इट 2, दैट विल बी द यूअर राउंड अप। फिर 3 प्रिंट करेंगे तो यू प्रिंट द राउंड डाउन। फिर 4 प्रिंट करेंगे तो स्क्वायर रूट। इस तरीके से आपको सब चीजों को यूज करते हुए जाना है। ठीक है, तो दिस इज द वे कि सबसे पहले प्रोग्राम बनने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको पूरा एक जैसे बना दें, पहले एक ब्रिक रखें, फिर उसके ऊपर ब्रिक रखें, फिर धीरे धीरे वॉल बनाए। वॉल अच्छी बन जाती है, मजबूत बन जाती है, तो उसको इंटीरियर डेकोरेशन भी करना पड़ेगा। फिर आपको UI का कंसेप्ट भी समझ में आना चाहिए कि यूजर इंटरफेस क्या होता है। तो दिस ऑल द एक्चुअली टिप्स, अच्छे प्रोग्राम बनने के लिए बहुत मेहनत नहीं है, बहुत सारी चीजों को समझना और उसे याद रखना है, बस इतनी सी बात करेंगे तो हमारा सब काम होगा। ओके, तो लेट, हमने आज क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा कि भाई मीनू ड्रिवन प्रोग्राम मैथ्स का कैसे बनाएंगे, फिर हमने देखा कि कैसे हम अपने कीबोर्ड के लिए करेक्टर चेकिंग प्रोग्राम बना सकते हैं, हमने फिर देखा कि कैसे हम करेक्टर कन्वर्शन प्रोग्राम बनाएंगे, फिर हमने देखा एरिया ऑफ शेप कैसा करेंगे, और उसके बाद हमने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम देखा जिसमें मैथ ऑपरेशन को हमने एक एक इंस्ट्रक्शन के द्वारा समझा। तो दिस इज अबाउट द कंप्लीट योर लैब 10। तो थैंक यू टू ऑल।